ड्रैगन और आतंकिस्तान, हो जाओ सावधान, क्योंकि अब आ गया है हेरॉन मार्क टू ड्रोन। ये न्यू इंडिया है, यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। चीन और पाकिस्तान, क्या तुम्हें पता है कि हेरॉन मार्क टू ड्रोन है क्या? नहीं तो जान लो। याद हो कि ये वही हेरॉन ड्रोन है जिस ड्रोन से यूएस ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी और दुनिया के कई दूसरे देशों में अपने दुश्मनों को ढेर किया था। अब वही गेम चेंजर हथियार भारत को भी मिला है। न्यू इंडिया की एक नीति रही है, छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर गलती से भी छेड़ दिया तो घर में घुस कर मारेंगे। तो अब भी समय है, संभल जाओ चीन और पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हारी ही नापाक साजिश का मुकाबला करने के लिए भारत के वायुसेना में 15 अगस्त से पहले ही हेरॉन मार्क टू ड्रोन को शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में अगर भारतीय सेनाएं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों का खात्मा करना चाहे तो इसके लिए सेना को वहां घुसकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए सिर्फ हेरॉन ड्रोन ही काफी है। बता दें कि इसराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन कई खूबियों से लैस है। अभी फिलहाल इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, लेकिन आगामी समय में इसे तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ आक्रामक हमला किया जा सके। आइए जानते हैं कि हेरॉन मार्क टू ड्रोन की विशेषता क्या है। नंबर एक, हेरॉन ड्रोन मार्क टू सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाला ड्रोन है। नंबर दो, ये 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। नंबर तीन, ड्रोन 277 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। नंबर चार, एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम। नंबर पांच, 35,000 फीट की ऊंचाई से कर सकता है निगरानी। नंबर छह, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। नंबर सात, इनमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स और बम लगाए जा सकते हैं। नंबर आठ, ये किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में अपने मिशन को दे सकते हैं अंजाम। नंबर नौ, जीरो से कम तापमान में भी काम करेगा हेरॉन मार्क टू। नंबर दस, ये अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके बेस पर लौट आता है। नंबर 11, हेरॉन ड्रोन्स को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जाना है। नंबर 12, हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा, जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। हेरॉन ड्रोन भारत के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इन ड्रोन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत मंगाया गया है ताकि देश की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता ना किया जाए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय सेना इसका उपयोग सीमाओं की निगरानी और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए करेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई अन्य तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकेगी। इस ड्रोन की मदद से आप समुद्र के अंदर भी झांक सकते हैं। ये पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकती है। साथ ही इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। हेरॉन ड्रोन ये देश की वो ताकत है जो ड्रैगन और पाकिस्तान के हर नापाक हरकतों को तबाह कर देगी। समंदर से लेकर LAC तक चीन की बौखलाहट को रोकने के लिए हेरॉन ड्रोन एक्शन को तैयार है। इसलिए भारत को जो अब आंख उठा के देखेगा उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की स्ट्रीट टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।